आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक लावारिस संदिग्ध ट्रॉली बैग यात्रियों के बेंच के पास मिला। वाराणसी से पहुंची बम निरोधक दस्ता टीम ने जब बैग को जांच के बाद खोला तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का पाउच मिला। स्टेशन पर एक युवक बैग को ले जाते सीसीटीवी में कैद हुआ। जांच में जुटे पुलिस रेलवे प्लेटफॉर्म पर लावारिस पड़े बैग के विजुअल, बैग की जांच करते विजुअल, बैग खोलते और शराब का पाउच निकालते विजुअल, युवक के बैग लेकर जाते सीसीटीवी वीडियोस। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर आज प्लेटफॉर्म नंबर एक पर घंटों अफरा तफरी और हड़कंप मचा रहा जब प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर यात्रियों के बैठने के बेंच के पास रेड कलर का ट्रॉली बैग संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। लावारिस बैग की सूचना मिलने पर सीओ सिटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रेलवे स्टेशन पहुंची। मौके पर जांच के लिए डॉग स्क्वाड दस्ता और वाराणसी से बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। वाराणसी से पहुंची बीडीएस की टीम ने जांच के बाद ट्रॉली बैग खोल कर देखा तो बैग में शराब का पाउच भरा हुआ था। अलग अलग ब्रांड की 108 डब्बे अंग्रेजी शराब का पाउच बैग से बरामद हुआ। वहीं स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो पता चला कि एक युवक वहीं ट्रॉली बैग लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने आशंका जताई कि पुलिस को देखने के बाद वह बैग छोड़कर लापता हो गया। युवक की फोटो और वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी शहर परमानंद कुशवाहा का कहना है कि बैग में जांच के बाद शराब मिला। एसके लाइव न्यूज से आशीष पांडे की रिपोर्ट। आज प्रातःकालीन जीआरपी द्वारा सूचना दी गई कि प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एक संदिग्ध बैग मिला हुआ है। तत्काल सूचना पर मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कटरा और हल्का प्रभारी कुंवर मनोज पहुंचे और जीआरपी के साथ वार्तालाप की गई तथा बीडीएस की टीम जो कि वाराणसी से बुलाई गई, बीडीएस की टीम के द्वारा जब बैग को खोला गया तो उसमें कुछ शराब की केन मिले हुए हैं, पाउच मिले हुए हैं और संदिग्ध व्यक्तियों की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।